तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स और उनके पोलराइजेशन के बारे में। तो जो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे, नंबर वन डाइलेक्ट्रिक्स को समझेंगे एग्जांपल के साथ, नंबर टू उनकी टाइप्स को समझेंगे पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, नंबर थ्री जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें किस तरीके से पोलराइजेशन आता है जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, और नंबर फोर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें कैसे पोलराइजेशन आता है, और नंबर फाइव पोलराइजेशन को हम समझेंगे उसकी डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की, ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफिक्स की हेल्प लेंगे। तो बच्चों जो सब्सटेंस होते हैं हमारे चारों तरफ उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अब ये जो कंडक्टर्स हैं, तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम कॉपर स्फीयर की बात करें तो इनमें क्या होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से इनमें आसानी से कंडक्शन हो जाता है, तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आसानी से मूव कर जाता है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं यानी इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो चार्ज जो है आसानी से वो मूव करता ही नहीं है, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो पाता। तो इसका एग्जाम्पल हो गया रबर ब्लॉक। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा बच्चों कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, और ये इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जो चार्ज मौजूद हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलाउ करते हैं कि वो कुछ एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सके। तो जब ये फोर्स लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, और जब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो उनके बीच में एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जब डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो इसी को हम कह देते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, स्टोन, प्लास्टिक। तो ये सब हमारे इंसुलेटर्स हैं जो चार्ज को आसानी से फ्लो नहीं होने देते, परमिट नहीं करते चार्ज के फ्लो को। ठीक है, अभी हमने बात की कि पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन को अभी हम इसी वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है जो कि उनके चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, इसी को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। और ये तभी प्रोड्यूस होता है जब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, अगर इनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो कोई भी डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बच्चों अब ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो एक एक करके इनको हम समझेंगे, इनको भी हम ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, या तो वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। तो जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कह देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है इनके बीच में कुछ गैप होता है यानी डिस्टेंस होता है। अब क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस होता है तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में भी इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हमेशा रहता है। ठीक, और अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। और जब वो इस तरीके से मुड़ जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। तो इस तरीके से जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में भी इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में भी इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हमेशा होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो ये क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो जिस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है,
तो ये सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ डेवलप हो जाता है। तो ये हो जाते हैं बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट के होने की वजह से इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो दो एच आयंस और एक ऑक्सीजन आयन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इनको मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में होता है, और जो ऑक्सीजन आयन है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल ऑक्सीजन आयन पर ही होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का एक आयन और हाइड्रोजन का जो सेंटर ऑफ मास है इनको मिला के एक डाइपोल मिला बन जाता है। तो एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, और इसी को हम कह देते हैं कि इनमें एक डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। और जब डाइपोल होगा तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाइपोल हमारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स बने रहते हैं, इन्हीं को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से समझा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं इस मॉलिक्यूल में वो कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये अनसिमेट्रिकल शेप के होते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा कोई फिक्स नहीं है, है ना। तो इस वजह से इनकी जो शेप होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, और इनका कुछ ना कुछ हमेशा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो। और ये करीब 10^-30 कूलम मीटर का होता है। तो एग्जांपल्स की बात करें तो HCl का एक मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH का एक मॉलिक्यूल, तो ये सब हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमेशा कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट रहता है, यानी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हमेशा रहता है। और ये कुछ शेप्स हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल और HCl का जो मॉलिक्यूल है इनकी कुछ इस तरीके से शेप्स रहती हैं। अब बात करते हैं बच्चों नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की। तो इसको भी हम एक ग्राफिक्स के जरिए पहले समझते हैं। तो ये पिक्चर है बच्चों एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक के ऊपर एक लाई करता है, यानी ओवरलैप करते हैं, यानी कोइंसाइड करते हैं। और क्योंकि कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, जीरो डिस्टेंस होता है। इसी वजह से इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में वो जीरो होता है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है ये, इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमारे सामने है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड करते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं। ऐसे ही CO2 में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम है ना, तो इनके जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक लाई करते हैं। और जब वो एक के ऊपर एक लाई करते हैं तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि इनके चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हमने नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को समझा। तो ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स जिनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक लाई करते हैं, यानी उनके एक का सेंटर ऑफ मास दूसरे के सेंटर ऑफ मास के ऊपर लाई करता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइइलेक्ट्रिक इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इनकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल होती है। अब क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पर है तो इनकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल रहती है हमेशा, और क्योंकि इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। तो एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है या नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, मीथेन का है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है हमारे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के हैं। और शेप आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की शेप
देख सकते हैं, एक के ऊपर एक लाई करते हैं इनके सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही CO2 में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो एक के ऊपर एक लाई करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बच्चों पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किस तरीके से वो पोलराइज होता है, इसको भी हम एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, यानी कि ओवरलैप करते हैं। और जब ओवरलैप करते हैं तो इनका जो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में वो जीरो रहता है। लेकिन जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जैसे ही इसको रखते हैं कि तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाता है, है ना। ये देखिए ये डिस्प्लेस कर गया, तो इनके बीच में क्या होता है एक गैप बन जाता है, एक डिस्टेंस बन जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, और इस डिस्टेंस की वजह से एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में क्या होता है कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसमें एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जब डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं कि अब हमारा मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, या कहिए पोलराइज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा बच्चों कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में किस तरीके से पोलराइज होता है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो जो डाइपोल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसका जो डाइपोल मोमेंट वो जीरो था, है ना। तो यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। तो लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, यानी डिस्प्लेस हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन, है ना। तो इनमें एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और जब इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है वो अब पोलराइज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बच्चों की जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक होता है वो किस तरीके से पोलराइज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, इसको भी हम एक ग्राफिक्स के जरिए पहले समझ लेते हैं। तो बच्चों ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इनिशियली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो होता क्या है कि ये क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और तो इसमें जो है इनिशियली हर एक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी इनके अंदर मौजूद हीट की वजह से, जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो इनिशियली जीरो होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देता है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे के कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट है पूरे डाइलेक्ट्रिक का वो हो जाता है जीरो, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, लेकिन जब इसी मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो ये सारे जो डाइपोल्स होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होता है कि हर एक पर एक टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क इनको रोटेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इनको अलाइन कर देता है, यानी कि मोड़ देता है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है अब वो जीरो नहीं रहता, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि अब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया, क्योंकि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम चुके हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम चुका है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घूम चुका है, यानी वो पोलराइज हो चुका है। तो ये जो पोलराइजेशन है बच्चों, अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि ये जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट है कि किस डिग्री तक ये अलाइनमेंट होगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
ये डिग्री ऑफ अलाइनमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ी से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और दूसरा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है, तो टेम्परेचर कम होगा उतनी तेज़ी से ये अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिक्स के जरिए हमने पोलर डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन समझा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता है तो इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो ज़ीरो रहता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, तो नेट डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइन होने लगते हैं, रोटेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है अब वो ज़ीरो नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमारा जो जो मॉलिक्यूल है वो अब पोलराइज हो गया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ चुका है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ चुका है, यानी कि पोलराइज हो चुका है। तो अगला टॉपिक है बच्चों पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है इसको भी हम पहले ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि मॉलिक्यूल चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाता है, तो मॉलिक्यूल में या कहिए डाइइलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है, और नेट डाइपोल मूवमेंट का डेवलप होना ही ये कहलाता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और उनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं बच्चों पोलराइजेशन। तो ये था बच्चों पोलराइजेशन, यानी कि हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक है वो उसका वॉल्यूम कितना है, तो जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से उसका डाइपोल मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो यानी कि डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो जो पोलराइजेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो डाइइलेक्ट्रिक है उसका वॉल्यूम कितना है और उसका डाइपोल मूवमेंट कितना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो पोलराइजेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। और ये जो पोलराइजेशन है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो होता है मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पोलराइजेशन भी उतना ज़्यादा होगा, उतनी तेज़ी से वो पोलराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है हीट की वजह से, उनकी इंटरनल हीट की वजह से उनका जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन। तो ये जो थर्मल हीट है ये जितनी ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी है ये जितनी ज़्यादा होगी अलाइनमेंट उतना ही तेज़ी से होगा, यानी कि पोलराइजेशन उतना ही तेज़ी से होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, थर्मल एजिटेशन जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।